अज की वीडियो कणक के रेट के हवाले आप गलबात दोबारा करने वाले हैं। पिछले रोज जो गुरदस्ता कबीना का इजलास होया उन्होंने कुछ नवी गल् निकलते सामने आई ने पंजाब असैम्बली के भी इजलास कुछ अपने एम पी ए साहब से जिन्होंने कुछ नवी गल् स्पीकर पंजाब के सामने रखिया ने भी थोड़े अज की वीडियो सांझे करा। रेट जरा 3900 रुपया मुकर्र कर दिया गया, इन्हों नोटिफिकेशन जो जारी हो जाना है। लेकिन हूँ इतने कुछ नवी गल् जो सामने आई ने 20 लाख मैट्रिक टन जी गंदम की पैदावार है वह इस टाइम तक जी गो हदफ मुकर्र कर जा रही है। लेकिन अगर पंजाब एस्टीमेट रिकॉर्ड पैदावार की गल की जाए तो 2,90,000 मैट्रिक टन जी इस दफा कणक की पैदावार आने के चांस वाजिया तौर पर नजर आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन खरीदारी जी 2,00,000 मैट्रिक टन की किरण वास्ते गवर्नमेंट जा रही है। इनका रेट 3900 रुपया मन जरा मुकर्र कर दिया गया है। तो पंजाब मुख्तलिफ जगह कणक की खरीदारी के मराकज जड़े ने कायम कर दिए गए हैं। लेकिन जो गुरदस्ता रोज पंजाब असैम्बली का इजलास सामने आई ने कि अगर 3900 रुपया कणक का रेट फाइनल कर दे जे तो इस रेट के उत्ते अगर एक आप ज्यादा तो ज्यादा 20 एकड़ औसत पैदावार लाइए 45 मन 1 एकड़ की तो उनके उत्ते सारे खर्चे खादा स्प्रेवा के खर्चे वगैरह कर दे, क्योंकि खादा स्प्रेवा जीडिया ने जो कणक आप लाने पे हाँ बहुत ज्यादा महंगा सी। DAP 15,000, यूरिया 5,000, डीजल 3,300 लैते आप जो इस्तेमाल करते रहे, अगर ये सारे खर्चे कढ़ीए ठेके वगैरह कढ़ीए तो 45 मन औसत लाइए 2900 रुपया फी मन जरा कणक का रेट लाइए तो जी पिछे प्रॉफिट बचता है 2200 तो लैके 5000 के दरमियान जरा प्रॉफिट बचता है। जो स्पीकर पंजाब असैम्बली के जो अपने स्पीकर ने उन्होंने अगे गल् रखी गई ने हम जो नवी गल् बातें सामने आ रही ने उनके आके कणक का जरा रेट है वह 3900 तो वधा के 4500 रुपए तक मुकर्र कर दिया जाए। लेकिन अपने कौमी खजाने के पंजाब की गंदम की खरीदारी वास्ते 20 लाख मैट्रिक टन की खरीदारी वास्ते भी जेडे पैसे ने मौजूद नहीं है। इन की खरीदारी मुकम्मल करने वास्ते गवर्नमेंट ने जेडे ने अपने जेडे लोकल बैंक ने उन्होंने को कर्जा लैते अपनी गंदम की खरीदारी का हदफ अगर यह मुकर्र हो जाता है तो इनकी खरीदारी मुकम्मल करनी है। इन्नी रकम इस टाइम तक जी मौजूद नहीं हैगी। इनकी घट घट टारगेट करने की वजह यह भी है कि पिछले साल की घट्टो घट कोई 20 लाख मैट्रिक टन जी गंदम है इस टाइम तक सरकारी गोदामों के इंपोर्ट वाली पिछले साल वाली मौजूद पई हुई है, जिनकी वजह न जरा गंदम की खरीदारी का हदफ जरा घट रखा जा रहा है। नारीन ए कुछ चंद गल्लां ने जिहड़ियां पिछले रोज पंजाब असैम्बली ते कबीना दे सामने जिहड़ियां आईयां सी जिहड़ियां तुहाडे नाल सांझियां कर दित्तियां गईयां ने, इहदे उत्ते तुसीं आपदे राय दा इजहार जरूर करना कि एक कणक दा रेट 3900 रुपया क्या गवर्नमेंट नूं वधाउणा चाहीदा है। अगर अपनी राय नाल दसीए तो लाजमी तौर ते वधाउणा चाहीदा, क्योंकि खुद भी कणकां लाईयां ने इह रेट किसे वी सूरत समझ नहीं आंदा। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट दे अग्गे आपां कुछ वी नहीं कर सकदे, हुण गवर्नमेंट दा फैसला है कि उह इस रेट नूं वधाउंदी है घटाउंदी है। घटा तां इस तों नहीं सकदी, लेकिन उह वधाउण दी जिहड़ी कोशिश है उह मुख्तलिफ जगह पंजाब असैम्बली के जिन्हें भी अपने स्पीकर ने उन्हें करनी शुरू कर दी है कि कणक का जो रेट है उन्होंने वधाया जाए, ना कि यह रेट रखा जाए। तो कणक की खरीदारी का जो हदफ है वह भी ज्यादा कर दिया जाए, इन्ना थोड़ा हदफ जरा इंज हो जाएगा कि जिम्मे आटे के एक चूंडी लून जरा खरीदना है, इस तो अलावा आटे का सारा सारा जो आटा है वह उवे प्यार रह जाना है। सिर्फ एक चूंडी जी कणक की गवर्नमेंट ने इस दफा खरीदनी है। उतो ये कह रहे हैं कि जी साढ़े को पैसे नहीं है, अभी बैंकों को पैसे लैते कणक की खरीद जी करनी है। इन हवाले अपनी राय का इजहार जरूर करना कि थोड़ी इस हवाले की राय आ, इस वीडियो दूसरे दोस्तों जरूर शेयर करना ताकि वह भी इस इन्फॉर्मेशन तो फायदा हासिल कर सके।